जानना चाहते हैं आपको सबसे सस्ता लोन कहां और कैसे मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर आप कभी लोन लेने की सोचते भी हैं तो सबसे पहली चिंता ये आती है कि कहां से लोन लें जो कम से कम ब्याज देना पड़े। लोन की सुविधा देने का बैंकों का मकसद ही ब्याज से पैसे कमाना होता है। आपको जरूरत पर पैसे मिल जाते हैं और आप उससे कुछ ज्यादा रकम बैंकों को चुकाते हैं, फिर चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, प्रोसेस तो सब में कमोबेश एक सा ही रहता है। तो चलिए पर्सनल लोन की ही बात कर लेते हैं। आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप अपने लिए कम से कम ब्याज दर वाला लोन चुन सकेंगे। दोस्तों, लोन दो तरह की ब्याज दर पर लिए जाते हैं, एक होती है फिक्स ब्याज दर और दूसरी होती है फ्लैटिंग ब्याज दर। फिक्स ब्याज दर वाले लोन में आपको लोन खत्म होने पर पहली बार में तय की गई रकम ही देनी होती है। चलिए मान लीजिए आपने एक साल के लिए 1,00,000 रुपए 14% ब्याज दर पर ले लिए हैं, तो फिक्स ब्याज दर होने पर मार्केट में चाहे लोन पर ब्याज बढ़े या घटे, आपको 14% ब्याज दर ही देना होगा। लेकिन फ्लैटिंग ब्याज दर में इसका उल्टा होता है, इसमें आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ब्याज देना होता है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, कम ब्याज दर पर लोन जानने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप अलग अलग बैंकों की आपस में तुलना कर लें, यानी कंपैरिजन कर लें। दोस्तों, अलग अलग बैंकों से मिलने वाले लोन की ब्याज दरें भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं के आधार पर बैंक ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट और सरकारी हर तरह के बैंकों की डिटेल देख सकते हैं कि कौन कितने परसेंट इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, और इस जानकारी के आधार पर बैंक का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सस्ता लोन वाकई लेना चाहते हैं तो अगले पॉइंट पर भी गौर फरमाइए, वो है कि आपको देखना होगा कि बैंक आपको किस ब्याज दर पर यानी किस इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा। और हाँ, इसका फैसला आपके क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है। खासकर पर्सनल लोन में ब्याज दर तय होते समय क्रेडिट स्कोर और लोन लेने की आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर को बेटर बनाने के लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी से कम लोन लेना चाहिए और समय पर किस्तें चुकाते रहना चाहिए, यानी इंस्टॉलमेंट भरते रहना चाहिए। बैंक जब लोन देते हैं तो ब्याज दर के साथ साथ कुछ चार्जेस भी वसूलते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, लोन बंद करने के चार्जेस वगैरह। और हाँ, ब्याज दर की तरह ये चार्जेस भी सभी बैंकों के अलग अलग होते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस बैंक में आपको लोन सस्ता पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों आज आप जान गए होंगे कि सस्ता लोन कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। उम्मीद है कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कुछ लोन से रिलेटेड वीडियोज की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। कुछ लोन से रिलेटेड वीडियोज मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हेल्प करेंगे।